सुजानगढ़ राजस्थान के चूरू जिले का एक शहर। ये शहर तिरुपति बालाजी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, जो पूरी उत्तर भारत में एकमात्र ऐसा मंदिर है जो साउथ इंडिया के मंदिरों जैसा बनाया गया है। सुजानगढ़ को पहले खरबूजी का कोर्ट के नाम से जाना जाता था। महाराजा सूरत सिंह ने इसे अपने अधिकार में लेकर सुजानगढ़ रखा। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे सुजानगढ़ के इतिहास के बारे में। उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ओन सिटी फैक्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस घंटे के बटन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। बात है 1573 ईस्वी की। डीडवाना के मोलासर गाँव के पास लदड़िया गाँव में गुलेरिया परिवार के दो जाट भाई रहते थे। उस गांव में एक ठाकुर था जिसके साथ इन दो भाइयों की अनबन हो गई। इसलिए ठाकुर ने कहा, जो इस गांव में रहेगा उसे ठाकुर की जय बोलनी पड़ेगी। स्वाभिमानी जाट भाइयों को यह मंजूर नहीं था, इसलिए उन्होंने बैल गाड़ी में अपना सामान लाद लिया और रवाना हो गए। ठाकुर ने कहा, जा तो रहे हो लेकिन जोधपुर रियासत में कहीं बसने नहीं दूंगा। जसवंतगढ़ आकर पूछा तो पता चला सामने पड़े ताल में आकर जोधपुर रियासत समाप्त हो जाती है। यहाँ से अब बीकानेर रियासत का इलाका था। यहीं पर गुलेरिया जाटों ने अपना डेरा डाला और रहने लगी, जो आज के गांधीनगर के आसपास थी। फिर ये जगह गुलेरियों की ढाणी कहलाने लगी। गोपालपुरा और माठोता गाँव में आपस में अनबन थी, क्योंकि माठोता गांव में डाकू रहते थे जो आसपास के गांवों को लूटा करते थे, जिस कारण बासनीवाल, मेघवाल, नाई, माली वहां से आकर गुलेरिया की ढाणी के पास आकर बस गए। पांच जाति के लोग होने के कारण अब ये पंच ढाणी कहलाने लगी। अब यहां धीरे धीरे आबादी बढ़ने लगी। आबादी बढ़ने के कारण पंच ढाणी का नाम बदल कर खरबूजी 1723 में कर दिया गया। सांडवा के ठाकुर ने यहाँ एक किला बनाया, तब इसका नाम खरबूजी का कोट हो गया, जिसे बाद में महाराजा सूरत सिंह ने अपने अधिकार में लेकर सन 1835 ईस्वी में अपने नाम पर सुजानगढ़ कर दिया। तो दोस्तों, यह थी सुजानगढ़ के इतिहास से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ये कमेंट करके जरूर बताइए।